KGF 2 बॉक्स ऑफिस डे 6, KGF चैप्टर 2 का इंडिया के बाद यूएसए में दिखा दम, कमाई के मामले में बनी नंबर 1। वेलकम टू बॉलीवुड हेडलाइंस, मैं हूं आपके साथ भूमिका। साउथ सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 को 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा चुका है और इसके महज सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। आपको बता दें कि इसका हिंदी वर्जन ने बाहुबली 2 और RRR जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसने केवल 5 दिनों में 200 करोड़ का हिंदी में कलेक्शन कर लिया है और अब से 6th डे पे फिल्म ने यूएसए में भी एक हिस्ट्री बना दी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ की पहली मूवी बन गई है। प्रशांत नील स्टारर फिल्म KGF चैप्टर 2 के 6th दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इसने रिलीज के 6th दिन में 600 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वीकेंड के बाद भी आम दिनों में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। अगर इसका ट्रेंड लगातार इस तरह चलता रहता है तो कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी और इसे 4500 स्क्रीन्स पर 5 भाषाओं में रिलीज किया जा चुका था। मूवी ने ट्यूसडे को 20 करोड़ का कलेक्शन किया। ये कलेक्शन हिंदी वर्जन का है। वहीं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 18 अप्रैल को फिल्म ने लगभग 5 करोड़ का कलेक्शन किया और इसी के साथ ही KGF चैप्टर 2 ने यूएसए में एक हिस्ट्री बना दी। ये पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म है जिसने 5 मिलियन डॉलर मार्क किए हैं। यह आंकड़ा करीब 39 करोड़ होता है। वहीं मूवी का यूएसए में कलेक्शन महज केवल 5 दिनों का है। इसी के साथ ही यूएसए में इतना कलेक्शन करने वाली पहली मूवी बन चुकी है। इसमें यश के अलावा एक्टर संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी भी अहम रोल में है। भुवन गोवड़ा ने सिनेमेटोग्राफी की है, म्यूजिक रवि बसरूर ने दिया है। इसमें कोलार की गोल्ड माइंस की कहानी को दिखाया गया है जो सोने की सबसे बड़ी खदान कही जाती है और यहाँ पर कभी हाथों से खुदाई करके सोने को निकाला जाता था। क्या KGF 2 इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल की ब्लॉकबस्टर बनेगी और अपनी पहचान छोड़ेगी? इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें।